हेलो एवरीवन वेलकम बैक इस वीडियो में आज स्टडी करेंगे हम आर के नारायण की ये शॉर्ट स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं देखिए ज्योतिषी शब्द आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजर ही है एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में ज्योतिषी बोलते हैं जो ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज रखते हैं उन्हें कहते हैं ज्योतिषी ठीक है अब इस वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं देखो सबसे पहले तो हम राइटर का परिचय जो है वो लेंगे यानी सबसे पहले आर के नारायण को समझेंगे उनको जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ओनली है ना बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं है थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है आर के नारायण के बारे में उसको समझने वाले हैं और यही सेम हम वर्क के साथ करेंगे जिस वर्क को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे उसके बाद में करेक्टर्स को पहचानेंगे करेक्टर्स सिर्फ यहाँ पर हैं थ्री क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है मैंने वेरी स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया कि ये क्या है एक शॉर्ट स्टोरी है और शॉर्ट स्टोरी की क्वालिटी होती है या आप कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी की एक डेफिनेशन होती है ब्रिविटी इकोनॉमी ऑफ वर्ड एंड शॉर्ट ऑफ लेंथ के साथ साथ करेक्टर्स भी बहुत कम होते हैं शॉर्ट स्टोरी में ठीक है गागर में सागर भरने की बात आपने सुनी होगी यानी कहानी जो है बहुत डिटेल में नहीं होती हर एक सीन जो है बहुत डिटेल से डिस्क्राइब नहीं किया जाता शॉर्ट फॉर्म में होता है लेकिन समझ में आता है बहुत अच्छे से तो बहुत छोटी सी कहानी है प्लॉट को जब हम डिस्कस करेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट मैनर में इस शॉर्ट स्टोरी को हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं या आप जब प्लॉट करेंगे तब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड देन फोर्थ स्टेप हमारा होगा प्लॉट यानी कहानी तो आप देखिए कितना छोटे से छोटे तरीके से हम बहुत आराम से इसको समझाने वाले कहानी को लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में टाइम देना है बस ठीक है उसके बाद में जानेंगे हम थीम को क्योंकि ये जो है ये एग्जाम बेस्ड हो जाता है उसके बाद में सिम्बोलिज्म या सिंबल आप कह सकते हैं इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिंबल यूज हुआ है जिसकी बार बारे में हम बात करेंगे फिर हम कहानी के एंड की बात करेंगे क्योंकि कहानी का जो एंड है वो आपको कुछ ऐसा बताएगा जो हर एक इंसान के लाइफ से रिलेट करता है कि हमारे मन में जब बोझ होता है ना किसी बात का तो जीवन बहुत मतलब कठिन सा लगता है मुश्किल सा लगता है लेकिन जैसे ही वो बोझ उतर जाता है ना तो लाइफ स्मूथ हो जाती है तो ये एंड जरूर देखना है आपने कि एंड जो है वो कहानी का क्या है और वो मैं बताऊंगी आपको सबसे लास्ट में ओके तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वेरी फर्स्ट स्टेप उठाते हैं हम आर के नारायण को जान लेते हैं चलिए आर के नारायण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो राइटर है ना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये सिर्फ आप अगर किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं यानी आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं स्कूल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं है, वो एक अलग मैटर है आपको इन्हें पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आर के नारायण मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं इनके इतने सारे वर्क्स हैं ना इतने सारे मास्टर हैं कि एग्जामिनर मतलब इनको अनटच रख ही नहीं सकता यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है आर के नारायण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइफ स्पैन लाइफ स्पेन इनका 1906 से 2001 के बीच का आर के नारायण का फुल नेम मैंने एग्जाम में बहुत बार नोटिस किया है पूछ लिया जाता है क्योंकि हम स्टडी करते हैं इनका पेन नेम जब भी हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो आर के नारायण आर के नारायण यही बोलते हैं यही सुनते हैं फुल नेम पे ध्यान नहीं देते बहुत बार तो एग्जामिनर यहीं पर बस गेम खेल जाता है पूछ लेता है फुल नेम क्या है आपने अगर ध्यान से इसको सुन लिया वीडियो को और ऑप्शन में आपके सामने आ गया तो करेक्ट करके आएंगे आप हंड्रेड परसेंट इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहा करो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में थोड़ा सा टाइम दे दिया करो अपना वीडियो इतना बड़ा होता ही नहीं है हाफ आवर से तो कम का ही होता है और क्या आप एक दिन के अंदर हाफ आवर नहीं निकाल सकते हैं मेरे लिए मेरे लिए निकाल लीजिए आपके लिए निकाल लीजिए देखिए हाफ आवर के अंदर फायदा आपका भी हो रहा है है ना आप ये मत जानिएगा कि मैम है यूट्यूब के ऊपर अपना वीडियो डाल रही हैं हम देख रहे हैं तो उनके व्यूज आ रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है ये बेनिफिट जो है ना ये आपका भी बहुत ज्यादा है आपके लिए है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा ही होगा गारंटिड होगा एक ना एक क्वेश्चन जो है ना कहीं ना कहीं कन्फ्रेंट कही होगा और ऐसा पिछले दिनों भी हुआ है हमारे साथ में जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो वॉच किए हैं अच्छे तरीके से रियली really, उन्होंने कॉलेज में टॉप भी किया है आप उठा देख सकते हैं एक दो ने तो कमेंट भी किए पर्सनल कमेंट्स तो हमारे पास में आते ही रहते हैं देखिए लेकिन जो आ, आपको यहाँ पर YouTube पर भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डाले और बहुत खुशी होती है एक टीचर को चाहिए क्या यही चाहिए चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं पेन नेम है इनका आर के नारायण ठीक है राइटिंग स्टाइल की बात करेंगे तो ये जो है ना लिखते हैं एक सेटिंग जो होते हैं ना मतलब कहते हैं ना कि एक जो जिस पृष्ठ से ये उठे हैं जिस धरातल से ये उठे हैं कहानी के वहाँ इन्होंने यूज़ किया है एक साउथ इंडियन टाउन मालगुड़ी और ये फिक्शनल है रियल नहीं कह सकते आप ये इनकी कहानी के अंदर है मालगुड़ी एक टाउन जिसकी ये कहानी जो है वो हमें सुनाते हैं बताते हैं इनका कलेक्शन है जिसके अंदर इन्होंने इसको बहुत बार डिस्क्राइब किया है और अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आप देखेंगे सुनेंगे कि मालगुडी डेज जो है टीवी के ऊपर एक आ, प्रोग्राम आया करता था उस प्रोग्राम के अंदर यही कहानियां बताई जाती थी जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी ठीक है नोटेबल वर्क्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो राइटर हैं अपने वर्क्स के लिए ही तो फेमस हैं साथ के साथ अपने अवार्ड्स के लिए भी बहुत फेमस हैं तो पहले वर्क्स देख लेते हैं देखिए स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में इनका आया बहुत ही प्यारा नावल है बहुत ही प्यारा मैं खुद पर्सनली आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि जब भी कभी मौका मिले ना अभी जब भी आप थोड़े दिन के लिए फ्री हो जाओ पाँच सात दिन अगर आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेना चाहो तो इनका नॉवल पढ़ना स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत अच्छा है इनके बहुत सारे नोटेबल वर्कस हैं द इंग्लिश टीचर ओके इसके अलावा वेटिंग फॉर द महात्मा मालगुड़ी डेज इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं उसके साथ साथ द गाइड है इनके वर्क्स के ऊपर तो मूवी भी बनी है आप अगर गूगल करेंगे ना तो आप देखना आर के नारायण के वर्क्स पर बेस्ड मूवीज भी हैं काफ़ी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज़ हाँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं एम के अंदर मेरा जो थीजिस का जो टॉपिक था ना सिनेमाटोग्राफी के ऊपर ही था तो मेरे को बड़ा शौक रहता है इन चीज़ों का तो आप जरूर बताइएगा मुझे कि आर के नारायण की ऐसी कौन सी वर्क्स हैं जिन पर हमारे बॉलीवुड के अंदर मूवीज़ बनी हैं तो मैन ईटर ऑफ मालगुडी द वेंडर ऑफ स्वीट्स ए टाइगर फॉर मालगुडी यानी मालगुडी देखो आपको बहुत देखने को मिलेगा इनके वर्क्स के अंदर ये एक तरह का फिक्शनल जो है टाउन इन्होंने यूज़ किया है साउथ का है लेकिन ठीक है अवार्ड्स की बात कर लेते हैं अब आर के नारायण की तो इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण साथ ही साथ साहित्य अकेडमी फॉलोशिप भी इन्हें मिली है बहुत बड़े बड़े प्राइज हैं ये एक इंसान के सपने में जो है ना कहते हैं ना सपने में भी ये जो चीज़ें हैं सच नहीं हो पाती जो इन्होंने हकीकत में सच करके दिखाई हैं यानी बहुत बड़े बड़े जो है इनको इनाम मिले बहुत बड़े बड़े इनको, इनको, इनको सम्मान मिले तो आर के नारायण से हम मिल लिए अब चलते हैं आगे हम हमारे वक्त पर एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे सबसे पहले तो इनका जो इंट्रोडक्शन है उस पर नज़र डालेंगे यानी एस्ट्रोलॉजर डे जो है इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं यहाँ ये आर के नारायण ने लिखा है शॉर्ट स्टोरी है ये चीज़ हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आर के नारायण ने लिखा है शॉर्ट स्टोरी है इसको तो माइंड में हमने फिट कर लिया अब ये कहाँ से ली गई है ये किस चीज़ का पार्ट है तो ये पार्ट है नारायण के कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का जो कि 1947 में पब्लिश हुआ था क्लियर यानी आर के नारायण का एक कलेक्शन ऑफ स्टोरी पब्लिश हुआ था 1947 में एंड एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज द पार्ट ऑफ दैट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ओके इट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोरी नाउ द नेम ऑफ दैट कलेक्शन ऑफ स्टोरी जो मेंशन किया ना हमने 1947 में पब्लिश हुआ है उसका नाम है मालगुड़ी डेज विच वॉज लेटर टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन टेलीविजन के ऊपर भी टेलीकास्ट हुआ है ये बाद में बहुत सारे लोगों ने देखा है इसको स्टोरी इज सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी मैंने आपको बताया फिक्शनल है एक राइटर की इमेजिनेशन जो आर के नारायण की इमेजिनेशन है ना उनकी इमेजिनेशन के अंदर ये साउथ का एक टाउन है जो उन्होंने डिस्कस किया है तो बेस हमने पता कर लिया अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरा जो मेन मुद्दा है ना वो यही होता है कि जो मुझे सुन रहा है वो उसे समझ ले जो मैं बताना चाहती हूँ और समझाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले बेस समझें उसके बाद में ही हमें अच्छे से समझ में आती है आगे की चीज़ें अब मिलते हैं करेक्टर्स से क्योंकि बात जब कहानी की हो रही है तो कहानी में अगर करैक्टर्स को नहीं जाना तो कहानी कहाँ समझ में नहीं आने वाली तीन ही करेक्टर हैं ज़्यादा हैं ही नहीं एस्ट्रोलॉजर है एक गुरु नायक नाम का इंसान है और एक है एस्ट्रोलॉजर की वाइफ ठीक है ये जो है मेन है हमारी स्टोरी के अंदर गुरु नायक जो है ये सेकंड इम्पॉर्टेंट करेक्टर है देन थर्ड नंबर पे आती है एस्ट्रोलॉजर की वाइफ अब कैसे कैसे इनसे भी थोड़ा जरा रूबरू हो लेते हैं जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि है किस टाइप की पर्सनैलिटी ये तो सबसे पहले जो हमारे सेंट्रल करेक्टर हैं एस्ट्रोलॉजर इनका कहीं नाम मेंशन नहीं है तो हम इन्हें यही बोलेंगे ज्योतिषी ही बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर ही बोलेंगे बार बार ये सेंट्रल करेक्टर हैं हमारी स्टोरी के और इनके बारे में ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि ये जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ऐसा जानते नहीं हैं खास सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं कमाने खाने के लिए ठीक है ही इज़ नॉट जस्ट एन एस्ट्रोलॉजर बट अ मैन हु हैज़ बिन फोर्स टू लीड अ लाइफ दैट ही डज नॉट चूज इन्होंने ये जो जिंदगी है ये सिर्फ इसलिए जी है क्योंकि ये कमाना खाना चाहते थे बस खाली बाकी एस्ट्रोलॉजर है नहीं है इंसान हिज पॉस्ट इज शॉर्डेड इन मिस्ट्री लिपटा हुआ है मिस्ट्रीज़ में रहस्य रहस्य जो हैं वो बहुत सारे हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर गिल्ट है एक रहस्य की बात जो है वो तो इस कहानी में हमारे सामने आएगी जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं बल्कि एंड में पता लगेगी तो कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है आपको फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कंसंट्रेशन और समय दे दो बस खाली आधा घंटा दे दिया करो आधे घंटे से ज़्यादा का लंबा जो है वीडियो मैं बनाती ही नहीं हूँ आधे घंटा सिर्फ पूरा वॉच कर लो एक बार और फिर कमेंट करके बताना कि मैम ये जो टॉपिक है ये हमें समझ में नहीं आया मुझे लगता है कि आ जाएगा मतलब नहीं वाला जो है ना मुझे नहीं लगता कि कोई कमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ठीक है हैविंग लेफ्ट हिज विलेज एब्रप्टली अंडर सर्कमस्टांसिस दैट सजेस्ट आ डार्क सीक्रेट एक डार्क सीक्रेट है जो उसके दिल में दिमाग में उसके मन में जो है वो घर किए हुआ था जो बाद में क्लियर हुआ है जो कहानी में हमें पता लगेगा डिस्पाइट इज लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग और नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी ही हैज़ मैनेज टू काव आउट ऑफ लीविंग इन दस्ट सिटी बाई रीडिंग पीपल्स पाम एंड प्रडिक्टिंग देयर फ्यूचर्स की शहर के अंदर बैठा है लोगों के पाम हथेली जो है पढ़ता है उनके फ्यूचर की जो है भविष्यवाणी करता है इसको कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है इसको सिर्फ एक तरह से ना अपना जीवन यापन करने के लिए ये सिर्फ एक टेक्निक लगाता है एस्ट्रोलॉजी में एक बात बताऊँ आपको मैं मतलब किसी की यहाँ निंदा नहीं करना चाहूँगी लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर खासकर बहुत बार सुना है अपने बड़ों से भी मैंने सुनी है ये बात एस्ट्रोलॉजी में ना ज़्यादा तुक्के चलते हैं मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको रियल में एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है और वो वाक्य में बता सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी दुकान करे बैठे हैं बस खाली और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कॉमन है जैसे मान लीजिए ऐसे बोल देंगे कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको उसका मेहनत का फल नहीं मिलता आप स्टूडेंट हैं हाँ आप तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी करने वाली किसी उम्र है और आप किसी ज्योतिषी के पास में चले गए ये पूछने के लिए कि मुझे तो काफ़ी टाइम आप उसको बोल रहे हैं कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए मेहनत करते हुए पर मेरा तो किसी चीज़ में नंबर नहीं आ रहा है आप बताओ ना मेरा हाथ देखकर कि मेरे भाग्य में नौकरी है या नहीं बहुत लोगों को आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए पूछते हुए तो अब आपने खुद ही बता दिया ना कि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट जो है वो आपके फेवर में नहीं आ रहा तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा पता है आपको आप मेहनती तो बहुत हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलता रिजल्ट नहीं मिलता दैट इज़ द पॉइंट यही हमारी स्टोरी का एस्ट्रोलॉजर करता है मैं ये आपको बताना चाह रही थी इस बात को रिलेट करने के लिए यानी ये जो एस्ट्रोलॉजर है हमारी कहानी का ये रियल में एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज नहीं रखता है ये सिर्फ तुक्के मारता है और वो जो तुक्के हैं वो भिड़ जाते हैं और किस तरीके से भिड़ते हैं वो कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी लाइफ के अंदर एक ड्रामेटिक टर्न आता है जब इसकी मुलाकात गुरु नायक से होती है तो गुरु नायक से भी मिलेंगे हम कहानी में चरित्र जो है वो गुरु नायक का क्या है पहले वो जान लेते हैं उसका करेक्टर जो है वो क्या है गुरु नायक इज़ अ मैन कंज्यूम्ड बाय अ थर्स फॉर रिवेंज बदला लेने की प्यास है इसके अंदर यानी बदला लेना चाहता है इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका ये बदला लेना चाहता है वो तो अब कहानी में ही आपको पता चलेगा तो बने रहना मेरे साथ ही अप्रोच द एस्ट्रोलॉजर विद ए कन्फ्रेंशनल एटीट्यूड चैलेंजिंग एबिलिटीज एंड डिमांडिंग आंसर्स जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाता है कि ना मुझे नहीं पता तू मुझे जो मैं सवाल तुझसे पूछू ना तू उसका जवाब दे मैं मतलब ये सोचता हूँ कि तुझे कुछ नहीं आता जाता मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ उसके पीछे पड़ जाता है किसके वो ज्योतिषी है ना जो उसके पीछे अब हम मिल लेते हैं एस्ट्रोलॉजर की वाइफ से बहुत सिंपल सा करेक्टर है ये बहुत प्यारा सा करेक्टर है सपोर्टिव है केयरिंग है ठीक है अपने हस्बैंड का वेट करती रहती है वो आता है वापस तो उसको रिकार्ड करती है उसके लिए टेंशन दिखाती है कंसर्न दिखाती है जो यूजली वाइफ्स करती हैं क्लियर चले कहानी पर यानी प्लॉट पर कहानी जो है वो शुरू होती है इस एस्ट्रोलॉजर से ही एस्ट्रोलॉजर जो है सिटी में भीड़ भाड़ में एक जगह है जहाँ पर एक पेड़ है बहुत भारी भरकम सा और जो पेड़ है वो है इमली का उसके नीचे बैठा हुआ है अपने जो छोटे मोटे ताम झाम लेकर जो ज्योतिषी के पास में आपको मिलते हैं देखने को पतड़े वतड़े और कोड़ी ओड़ी पता नहीं कई चीज़ें रखी होती हैं तो वेशभूषा भी वैसी है यानी ड्रेसअप भी वैसा ही हुआ हुआ है कि अपने फेस के ऊपर उसने ऐसे माथे पर राख लपेटी हुई है येलो येलो कपड़े पहने हुए हैं गले में माला पहनी हुई है यानी सेम इमेजिन कर लीजिए आंख बंद करके कि एक ज्योतिषी जो है वो किस टाइप का दिखता है उस टाइप से वो बैठा है और वो आते जाते लोगों को भविष्य दिखा लो भविष्य पूछ लो ऐसा कुछ बोलता रहता है और उन्हें बुला उनकी भविष्य बताने की बातें जो है वो कहता है अब इसकी जो ट्रिक है वो क्या है आते जाते लोगों को फ्यूचर बताने का दावा करता है पता है कैसे कि उनको अपने पास बिठाता है और थोड़ी देर के लिए खुद भी शांत बैठ जाता है अब वो शांत बैठता है उतनी देर उन्हें बोलने का मौका देता है आप लोग आपस में बात कर लो उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और जब उनकी बातें खत्म हो जाती है ना फिर बारी बारी बुलाता है क्योंकि तब तक वो जज कर लेता है कि कौन इंसान क्या बोल रहा है और उसी हिसाब से उसको जवाब देता है और कुछ दो चार बातें तो ऐसी होती हैं जो हर इंसान के लिए कॉमन होती हैं वो बता देते जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको बिल्कुल मन चाह रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो ये तो जिंदगी की हकीकत है भाई हर किसी के साथ है मेहनत खूब करते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो उतना नहीं मिल पाता जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें ठीक है हाँ जी फिर क्या होता है एक दिन एक रात वो अपना काम खत्म करके और घर लौटने की तैयारी में ही था कि एकदम से एक इंसान आता है और उसे ज़बरदस्ती अपने पास बिठा लेता है कि मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताओ मैं इस चीज़ के लिए दावा करता हूँ कि तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है ऐसा कौन कहता है ऐसा गुरु नायक कहता है यानी ये जो आदमी आया है ना ये कहता है ये आकर ज्योतिषी के पास में बैठता है और बोलता है कि तुम मुझे जो मैं सवाल पूछूं उसके जवाब दो अगर तुम मुझे सही जवाब देते हो यानी मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं तो मैं तुम्हें एक रुपए का सोलहवा हिस्सा यानी एक आना दूंगा एक रुपए का सोलहवा हिस्सा होता है एक आना यह देने का वादा करता है और साथ ही साथ कहता है कि अगर तुम गलत निकले तो मैं यही एक आना इंटरेस्ट के साथ तुमसे वापस लूंगा ठीक है इस तरीके की आपस में दोनों में बात हो जाती है अब जो ज्योतिषी जो है ना वो कहता है यार जाने दे पूरा दिन का काम हो गया मुझे कुछ नहीं करना कुछ नहीं बताना लेकिन ये इसके पीछे ही बढ़ जाता है जबरदस्ती नहीं मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए बैठ जाता है तो फिर ठीक है एस्ट्रोलॉजर जो है वो इसको बताने लगता है कि तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था तुम्हें तो किसी ने चाकू से मारा तुम पर हमला किया तुम्हें तो घायल कर दिया और तुम्हें मरने की कंडीशन में पहुंचा दिया और जब तुम बुरी तरह से घायल हो गए थे तो तुम्हें उठाकर कुएं में फेंक दिया था मरने के लिए तो ये हैरान रह जाता है खैर इस ज्योतिषी को कैसे पता ये सब कुछ वो अपना जो है कुर्ता ऊपर करके और दिखाता है कि सच में देखो मेरे निशान है सच में मुझे किसी ने चाकू मारा था और मैं उसी इंसान की तलाश में तो यहां तक आया हूं मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम इतना जानते हो तो यह और बता दो कि क्या वो कहाँ मिलेगा अभी जिंदा है या मर गया तो ज्योतिषी क्या कहता है कि ढूंढने की जरूरत नहीं है वो मर चुका है आज से लगभग कुछ महीनों पहले उसकी मौत हो गई और तुम टेंशन मत लो उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है एक लॉरी आई और लॉरी के नीचे वो कुचलकर मारा गया तो इसको थोड़ा सा मतलब जो है विश्वास सा हो जाता है कहता है यार इसको तो बहुत कुछ पता है मतलब सब कुछ ही पता है एक तरह से अब ज्योतिषी जो है ना ये कहता है कि तुम इस दिशा में अब दोबारा मत आना यानी ये साउथ में इस समय मत आना तुम अब आज तो आ गए हो आज के बाद मत आना अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो अपना जीवन सौ साल जीना चाहते हो तो वापस मुड़कर इस डायरेक्शन में कभी मत आना अपना गाँव कभी मत छोड़ना वे क्या कहता है मैं तो उस आदमी की तलाश में ही आया था मैं क्यों आऊँगा मैं नहीं आऊँगा जब वो मर गया तो बस बात खत्म ठीक है भाई वो मरना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं उसको उससे मिलना चाहता था मैं उससे बदला लेना चाहता था वो मरना नहीं चाहिए था लेकिन अब जब मर गया है तो ठीक है मेरा कोई मतलब नहीं है मैंने मेरा घर छोड़ा इसीलिए था ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं उससे बदला ले सकूँ लेकिन जब वो मर ही गया ठीक है रात कई बात गई ज्योतिषी जो है घर आता है वापस वो पैसे जो है वो दे देता है जो गुरु नायक है थोड़ा थोड़ा बहुत उतना नहीं देता है, जितनी बात होती है थोड़ा बहुत पैसा देता है वापस आता है ये वापस आता है तो अपनी वाइफ को जो वो कमाई करके लेके आया है उसको देता है वो बहुत खुश होती है और कहती है कि बच्चों के लिए मिठाई लेकर आना है या मिठाई बनानी है तो कुछ गुड़ वगैरह लेकर आती है वो पैसे का खरीद कर घर पर मिठाई बनाती है अब रात हो जाती है सो सोते हैं तो सोते वक्त जो है ज्योतिषी अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है पूरी की पूरी कि मेरे साथ जब मैं युवा था यानी यंग था तो मेरे साथ एक घटना हुई थी कि मैंने शराब पीकर एक आदमी के ऊपर हमला कर दिया था उसे चाकू से घायल कर दिया था और मैंने सोच लिया था कि वो मर गया है क्योंकि मैं उसे मरने की कंडीशन में कुएं में डालकर आ गया था लेकिन आज वही आदमी मेरे सामने आया और मैंने उसे ज़िंदा देखा तो मेरे दिल को तसल्ली हुई क्योंकि आज तक मैं अपने आप को क्या मानता आ रहा था एक मर्डरर मानता आ रहा था और इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया था तो यहाँ कहानी जो है वो एकदम से देखे टर्न ले ली ये इंसान शहर में आया कमाने के लिए विलिंग था इसलिए नहीं नहीं ये मजबूरी में आया इसने गिल्ट किया लेकिन उस गिल्ट के रिडम्पन के लिए इसने क्या किया वहाँ उस जगह को छोड़ दिया पाप के और पाप की मुक्ति के लिए क्या किया उसने उस जगह को छोड़ दिया और अपना जीवन कहीं और बिताने के लिए आ गया और अपनी मेहनत करने लगा ज्योतिषी का काम करने लगा तो ये थी कहानी अब हमें इस कहानी से रिलेटेड जो बातें समझनी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले है थीम देखिए इसकी जो थीम है ना वो इस तरीके से है नंबर वन फेट एंड फ्री विल आफ्टर दैट गिल्ट एंड रिडम्शन जिसकी मैंने अभी आपसे बात की अपियरेंस वर्सेस रियलिटी एंड सर्वाइवल इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं थोड़ा सा वन वन लाइन में हो तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको पता लग जाएगा जो फेट एंड फ्री विल है उसको आप किस तरीके से इस कहानी में समझे हैं देखिए फेट यानी भाग्य हाँ अब जो एस्ट्रोलॉजर है अगर उसके साथ इस कहानी को हम या इस थीम को हम जोड़ रहे हैं तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जब युवा था तो एक दिन शराब के नशे में वो क्या कर देता है हत्या तक कर देता है मतलब उसकी नज़र में तो उसने हत्या ही कर दी थी लेकिन वो इंसान जिसकी उसने हत्या करी थी वो जिंदा निकला ठीक है ये क्या था फेट क्योंकि भाग्य में ऐसा लिखा था उसने ऐसा कर्म किया लेकिन फ्री विल क्या थी कि वो अपने उस गांव को छोड़कर शहर में आ गया और अच्छा जीवन जीने लगा क्योंकि हर एक इंसान की विल जो है इच्छा जो है वो कुछ भी करने की हो सकती है और अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वो सच में कुछ भी कर भी सकता है यानी या अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए शहर में आकर वो मेहनत करने लगता है तो भाग्य ने क्या खेल खेला उसे मर्डर बना दिया और फ्री विल क्या थी यानी इसकी जो इच्छा शक्ति थी वो क्या हुई कि वो आकर शहर में अच्छा जीवन जीने लगा अब देखिए इसको फेट और फ्री विल को आप जोड़ सकते हैं गुरु नायक के साथ में भी फेट क्या था कि वो घायल हुआ परेशान हुआ मौत का सामना तक करा लेकिन जिंदा बच गया ये क्या है फेट है फ्री विल क्या है फ्री विल यानी उसकी इच्छा शक्ति उसकी वो फ्री है कुछ भी करने के लिए वो फ्री है उसकी विल जो है वो फ्री है वो क्या चाहता है बदला लेना रिवेंज और उसके लिए ही वो क्या करता है ढूंढता है गली गली और जाकर ज्योतिषी से पूछता है तो ये फ्री विल हो गई तो ये थीम आपका आई थिंक क्लियर है उसके बाद बारी आती है थीम ऑफ गिल्ट एंड रिडम्पन इसको मैं एक ही लाइन में आपको समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर अपन इसको और ज्यादा बढ़ा करके एक्सप्लेन करेंगे तो गिल्ट पाप पाप क्या एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया गुरु नायक को घायल कर दिया था और घायल करके क्या मरने के लिए छोड़ दिया था रिडम्पन क्या पाप की मुक्ति पाप से मुक्ति लेने के लिए क्या किया उसने कठिन मेहनत करी अपना जीवन यापन करने के लिए शहर में आ गया क्लियर है साथ के साथ गिल्ट एक तरह से क्या है गिल्ट है जो वो अपने दिल में आज तक लेकर जी रहा था जो पाप उसने किया था आज वो अपने आप को क्या सोच रहा था कि मैं एक मर्डरर हूं मैंने एक आदमी को मारा है लेकिन रिडम्पशन क्या हुआ कि वो अपनी वाइफ के सामने कन्फेस करता है लास्ट में कि मेरे साथ में ये हो गया था मैंने ऐसे ऐसे करके किसी को मार दिया लेकिन आज मैंने उसे ज़िंदा देखा तो मैं आज बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ तो ये कन्फेशन उसका रिडम्शन है गिल्ट क्या है जो उसने किया था तो दो तरीके से आप इसे बता सकते हैं स्टोरी से रिलेट करके अब एक थी मोर है अपियरेंस वर्सेज रियलिटी ये भी हम एस्ट्रोलॉजर के साथ में रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजर दिखता क्या है एस्ट्रोलॉजर दिखता है लेकिन रियलिटी में वो क्या है रियलिटी में वो क्या है रियलिटी में वो एक आम इंसान ऐसा जो गुस्से में आकर शराब के नशे में आकर किसी को मरने की कंडीशन तक पहुंचा दिया था दैट इज़ द रियलिटी सेकंड अपियरेंस में वो एक सिद्ध महात्मा दिखाई दे रहा है संत दिखाई दे रहा है वो ज्योतिषी का काम करता है बट द रियलिटी इज दिल में दिमाग में और कर्मों से कैसा था वो वो ज्योतिषी नहीं था वो क्या कर रहा था लोगों के साथ धोखा कर रहा था उनको वो चीज़ें बता रहा था जो वो सुनना चाहते थे हकीकत नहीं जानता था वो यानी वो तो सिर्फ अपना बिजनेस चला रहा है तो दो तरह से आप रिलेट कर सकते हैं तो मैंने दोनों तरीके जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किया और इसी तरीके से थीम सर्वाइवल जो है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी को रिलेट करते हुए एस्ट्रोलॉजर के स्ट्रगल को रिलेट करते हुए क्लियर आगे बढ़ेंगे हम और सिग्निफिकेंस जानेंगे टेमरिट ट्री का जिस ट्री के नीचे बैठकर एस्ट्रोलॉजर ने अपनी अर्निंग स्टार्ट करी एक्चुअली ना टेमरिट ट्री जो है वो अशीसियस भी माना जाता है ठीक है यानी पवित्र भी माना जाता है और अपवित्र भी माना जाता है यानी वो बुरा भी माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है कहते हैं हमारे हिंदू जो लोग हैं और जो हमारे पुरानी जो जनरेशन है जो हमारे दादी नानी के टाइम के जो लोग हैं वो कहते हैं कहीं कि इमली का जो पेड़ होता है ना उस पर भूतों का निवास होता है भूत रहते हैं उसके ऊपर बहुत जगह सुना है मैंने ऐसा तो ये बुराई का प्रतीक है कि इमली के पेड़ पर भूत रहते हैं हाँ लेकिन अच्छाई का प्रतीक भी है किस तरीके से कि उसको एक उसके ऊपर एक फल भी तो लगता है जिसे हम खाते हैं तो वो सिंबल है लाइफ और ग्रोथ का भी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ये इसकी उम्र भी बहुत होती है फैल जाता है बहुत ज़्यादा तो ये लाइफ और ग्रोथ का भी सिंबल है साथ के साथ ये बुराई का भी सिंबल है बुराई का सिंबल क्यों है खट्टे फल देता है खट्टी खट्टी होती है ना इमली बहुत खट्टी होती है तो खट्टे फल देता है मीठा फल देता तो हम कहते हैं अच्छा ही का सिंबल है समझ रहे हैं आप और ये जो ट्री है ये इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर की लाइफ के साथ भी रिलेट करता है उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या था परेशानियाँ यानी खटास भी थी तो साथ के साथ क्या था एक लाइफ में ग्रोथ भी थी वो आया शहर में और अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाया दोबारा से इस तरीके से इस टेमरिन ट्री का सिग्निफिकेंस जो है वो इसमें बनता है स्टोरी में इसके बाद जो हम कहानी का एंड की बात कर रहे थे वो आपको मैं बताना चाहूँगी कहानी का जो एंड है ना वो कन्फेशन है और ये जो कन्फेशन होता है ना ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कभी भी कोई गलती करते हैं आप यंग हैं टीनेज़र्स हैं या कहिए है कि टीनेजर टीन एज जो है आपने कंप्लीट कर ली थोड़े बड़े हैं लेकिन आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर कुछ गलत किया कुछ भी जेड कुछ भी गलत किया और वो आप अपने दिल में दिमाग में लेकर चल रहे हैं तो आप अपने मन पर बोझ लेकर चल रहे हैं अगर आपने उसको कहीं कन्फेस्ट कर लिया मम्मी के सामने पापा के सामने दोस्त के सामने बहन या भाई के सामने तो आपका दिल जो है वो अपने आप ही आपको हल्का हल्का सा फील करवाएगा कि बोझ उतर गया दिल से ये जो कहानी है ना ये भी इसी तरीके से ख़त्म होती है एस्ट्रोलॉजर जो है वो कन्फेस कर लेता है अपनी वाइफ के सामने अपना पास्ट तो अब उसको जो है वो कैसा फील हो रहा है उसको शांत फील हो रहा है शांति महसूस हो रही है अपने पास्ट में वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो उलझा हुआ था उस पास्ट से आज उसको शांति मिल गई तो ये जो है ये एक तरह से सिग्निफाई करता है इस थीम को भी रिडम्पशन इस स्टोरी के अंदर यानी वो पाप से मुक्त हो गया कन्फेशन की वजह से ये कहानी इस तरीके से ख़त्म होती है डिस्पाइट हिज पास्ट एक्शन द एस्ट्रोलॉजर इज एबल टू फाइंड द पीस एंड मूव ऑन। जिंदगी के अंदर उसने पास्ट में एक ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वो शांति से जीवन नहीं जी पा रहा था पता है आपको कहानी आपने सुनी ना मुझसे कि इस तरीके का काम अगर इंसान रियलिटी के अंदर कर देता है तो सोचो वो तो जी नहीं पाता मतलब इतना ज्यादा टेंशन में रहता ये तो कहानी थी हमने सुन ली ठीक है उसको कब अच्छा लगा उसको पीस कब मिली जब उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया अपनी वाइफ के सामने उसके लाइफ जो है वो इजी हो गई तो कहानी हमें क्या सजेस्ट कर रही है ये कहानी हमें क्या बता रही है एक तरह से मैसेज भी कह सकते हो आप ये कहानी हमें एक मैसेज देती है कि हर किसी से गलती होती है गलती को मान लीजिए स्वीकार कर लीजिए किसी और के सामने अगर कन्फेस नहीं कर सकते तो अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करके और अपने ही मुंह पर कह दो कि मैंने ये किया है मैं गलत हूँ आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये भी आपका कन्फेशन जो है वो अपने आप में हो जाता है आप खुद से कन्फेस कर लेते हैं उसके बाद खुद से प्रॉमिस कर लेते हैं कि आइंदा ज़िंदगी में अब गलती नहीं करूँगा तो वो भी आपकी लाइफ को ईज़ी बनाता है तो ये थी हमारी कहानी और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी सी शेयर का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब पर तो आपको वीडियो स्टार्ट करते ही ओके कर देना चाहिए थैंक्स फॉर वॉच